इसराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर में यमन के हूती के हमलों से हाहाकार मचा हुआ है। चाहे अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन या फिर कोई दूसरा पश्चिमी देश, हूती ने लाल सागर में इसराइल की खुन्नस निकालने के लिए अभी तक किसी भी जहाज को बख्शा नहीं है, और यही वजह है कि दुनिया की टॉप शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर से अपना कारोबार समेट लिया है। लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने लाल सागर में अपने युद्धपोत मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए भेजे हैं, लेकिन हूती ने इन पर हमले करके या तो इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है या फिर उन्हें बीच समुन्द्र में डुबो दिया। यहां तक कि हूती के कब्जे में अभी भी एक मालवाहक जहाज है। लेकिन इस सब के बीच 25 मई 2024 को हूती ने एक बार फिर से हिंद महासागर में एमएससी मशाला और अमेरिकी जहाज लारेगो पर हमला किया है। लाल सागर में लाइबेरियन झंडे वाले मिनर्वा लीसा ऑयल टैंकर पर भी हूती ने हमला किया है। हूती का कहना है कि लीसा ऑयल टैंकर प्रतिबंधों के बावजूद इसराइल की तरफ जा रहा था। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता याया सारी ने कहा कि हूती ने भूमध्य सागर में इजरायली जहाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा लाल सागर में दो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन हमले भी किए गए हैं। इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी का बयान भी आ गया है। وعلى النحو التالي الأولى استهدفت سفينة لاريجو ديسيرت الأمريكية في المحيط الهندي والثانية استهدفت سفينة ام اس سي ميكلا الإسرائيلية في المحيط الهندي والثالثة استهدفت سفينة مينيرفا ليسا في البحر الأحمر لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وبعون الله تعالى استهدف سلاح الجو المسير بعمليتين نوعيتين مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة आपको बता दें कि हूती के इन हमलों से पहले यमन के प्रधानमंत्री अब्दुल अजीज हब्तूर ने लेबनानी चैनल अल मयादीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीनियों की जमकर तारीफ की थी। हब्तूर ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को यमन फ्रंट पर विश्वास करना चाहिए, जो उनके साथ आखिरी सांस तक बना रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 24 मई 2024 को हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन की आक्रामकता के खिलाफ हमले किए थे। उस वक्त हूती ने अरब सागर में इजरायली जहाज एमएससी अलेक्जेंडर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, जबकि दूसरे हमले में हूती ने यानिस जहाज पर लाल सागर में हमला किया था। ये जहाज ग्रीक कंपनी ईस्टर्न मेडिटेरियन मैरिटाइम का था। हूती का कहना था कि ये जहाज कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाह पर 4 और 5 मई को पहुंचा था, जिसकी वजह से इस पर हमला किया गया। इसके अलावा इजरायली जहाज एसेक्स पर भी भूमध्य सागर में कई मिसाइलें फायर की गई थी, क्योंकि ये कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह में प्रवेश पर लगाए बैन का उल्लंघन कर रहा था। उस वक्त हूती ने कहा था कि इस जहाज पर हमला एकदम सटीक था, और इस हमले से पहले इस कंपनी के 3 जहाज कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर पहुंचे थे।